अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और सर्दी का जो है वो मौसम आ चुका है और मैं यहाँ कर रही थी ब्रेकफास्ट। मैंने चाय बना ली थी अपने लिए और मैं चाय से खा रही थी पापे को डबो डबो के खा रही थी चाय के अंदर। और उठते जो है वो खाने का जो है बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, बस कभी कभार ही दिल चाहता है ब्रेकफास्ट करने का। और मुझे जो है वो बिल्कुल भी आदत नहीं है, बट कभी कभार जो है मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। पहले भी देखा होगा आप लोगों ने मेरे व्लॉग में, बट आज जो है मैंने चाय जो है वो पापा ले लिया है ब्रेकफास्ट में। और आप लोग जो है वो सर्दियों में क्या करते हैं ब्रेकफास्ट? ज़्यादातर जो है वो लोग बॉयल एग खाते हैं। और यहाँ मैं काम से फारिग हो गई थी और मुझे और भी काम करने थे। यहाँ आज मेरी अम्मी जो है वो रोटी है बना रही थी भाई के लिए। ज़्यादातर जो है वो हम लोग ही बनाते हैं रोटी, बट भाई का जो है वो ज़्यादातर जो है अम्मी कभी कभी जो है वो अम्मी ही देती हैं बना के। और आज भी जो है वो मेरी अम्मी जो है वो बना रही थी रोटी, और थोड़ा सा साइज छोटा बना के देती हैं ये भाई को। और अम्मी के हाथ की कोई भी चीज़ होती है वो अलग ही जो है वो पता चल जाती है। मुझे तो फौरन ही पता चल जाती है कि मेरे अम्मी के हाथ की जो है वो क्या चीज़ जो है वो बनी हुई है। और आप लोगों को लगता है या नहीं पता चलता है कि नहीं कि आपकी अम्मी के हाथ की क्या चीज़ बनी हुई है? कि हम जो हैं वो माँ के हाथ की कोई भी चीज़ बनी होती है फ़ौरन से जो है वो पहचान जाते हैं, या और किसी और के हाथ की बनी होती तो उसको भी जो है वो पहचान जाते हैं कि किसके हाथ की बनी हुई है। और यहाँ बनानी थी मेरी अम्मी रोटी और बस रेडी हो गई थी रोटी। और इसके बाद जो है मुझे करना था लंच, बट मैंने जो है यहाँ सालन रोटी बिल्कुल भी नहीं ली है। ज़्यादातर जो है मैं लंच में जो है वो डेली जो है वो यही खा लेती हूँ। और मेरा जो है ज़्यादातर जो है वो यही लंच होता है, और या तो मैं सैलड ले लेती हूँ या फिर उसके साथ जो है वो हल्का फुल्का कुछ और चीज़ ले लेती हूँ। लेकिन रोटी और चावल जो है वो बहुत कम ही लेती हूँ, इससे जो है वो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और हमारा जो है वो वेट लॉस होता है। यहाँ हो गया था थोड़ा सा शाम का टाइम और मैं जा रही थी वॉक करने के लिए टेरेस पर, और मैंने पढ़ ली थी नमाज़ के असर की। नमाज़ के बाद का जो है वो टाइम है, मैं नमाज से फ्री होके जो है मैं जा रही थी ऊपर, क्योंकि दोपहर तो होती नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है वो दोपहर होती ही है, चाहे टाइम हो ना हो सोने का। पर लाजमी जो होता है उनको जो है वो सोना होता है, क्योंकि दोपहर में जो सोने की आदत होती है बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होती है, और बहुत से लोगों को होती है सोने की आदत। और मेरे घर में भी जो है वो एक दो लोगों को जो है ये आदत जो है वो पड़ी हुई है दोपहर में सोने की लाजमी, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मुझे जो है ये आदत बिल्कुल भी नहीं है दोपहर में सोने की। और मैं यहाँ आ गई थी टेरेस पर। अब जो है मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया, इसलिए जो है मैं ज़्यादातर जो है वो डिनर के बाद ही जो है वो वॉक करने के लिए आती हूँ, बट अब जो है वो थोड़ी ठंड हो जाती है इसलिए जो है वो रात में जो है बिल्कुल भी जो है वॉक नहीं की जाती। और ये देखें थोड़ा सा जो है वो येलो हो गया, क्योंकि सूरज जो है वो थोड़ा टाइम बाद जो है वो ग्रो होने वाला है, क्योंकि ये मगरिब की वो असर के बाद का जो है वो टाइम है और थोड़े टाइम बाद जो है वो मगरिब होने वाली थी, सूरज भी जो है वो ग्रो होने वाला था और बड़ा अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा सा मौसम था और हल्की हल्की सी जाने वाली जो है वो धूप थी, मतलब धूप कहने या ग्रुप होने वाली जो है वो सनरेज कहने, और काफ़ी अच्छा लग रहा था और जॉय भी हो रहा था, और जो फ्रेश सी जो होती है वो एनर्जी जो है वो भी महसूस हो रही थी। और मेरे सामने जो है वो शेडो भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, और बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अक्सर जो है मैं अब जो है वो इस टाइम जो है वो मैं आती हूँ ज़रा वॉक करने के लिए। और यहाँ जो है मैं फ़्रेश हो गई थी, फ्रेश होने के बाद ही जो है मैं यहाँ आई थी। और हमारे जो ड्रेसेस हैं वो भी जो है मौसम के
और मौसम के लिहाज से जो है वो हम लोग जो है फिर वो वेयर करने लगते हैं और कवर्ड के अंदर चले गए हैं वो कपड़े हमारे जो गर्मियों के थे और अब निकल गए हैं सर्दियों के ड्रेसेस। और आज मैंने भी जो है ये सर्दी का जो है वो ड्रेस जो वेयर किया है। मेरी जो है ये शर्ट जो है वो फेवरेट शर्ट है। इसके ऊपर जो है आगे जो है फ्रंट पर पूरी कढ़ाई हुई देखें। सूरज जो है बिल्कुल भी जो है अब ग्रो होने वाला है। थोड़े टाइम बाद ही जो है वो मगरिब हो गई थी और मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, चाय भी जो है मैंने पी ली थी और उसके बाद मैं कर ली थी यहाँ डिनर की तैयारी। यहाँ जो है मैंने ली है चिकन, ये 1 kg चिकन है। इसको मैंने अच्छे से जो है वो वॉश कर लिया है और प्याज भी जो है वो कटिंग हुई है। मैंने यहाँ ली है 3 प्याज, मैं बना रही थी चिकन निहारी और मैंने इसके अंदर डाला है 1.5 जो है वो 1.5 जो है मैंने इसके अंदर तेल डाला है और ये गर्म हो गया है। अब इसके अंदर जो है मैं प्याज डाल दूँगी, बस थोड़े से प्याज जो है मैं बचा लूँगी बाद में यूज़ करने के लिए, बाकी जो है मैं सारे इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूंगी। क्योंकि निहारी के अंदर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा प्याज हैं वो नहीं लेने होते, थोड़े बहुत हमें प्याज लेने होते हैं। और इसको जो है हम फ्राई कर लेंगे, हमें लाइट ब्राउन करने हैं प्याज, हमें जलाने बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको डार्क कर लेंगे तो हमारी निहारी का जो कलर है और टेस्ट है वो भी जो है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा जो है वो कड़वापन आ जाएगा, इसलिए हम इसको जो है वो ब्राउन करेंगे बस। फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, नॉर्मल ही रखनी है। और किस किस को पसंद है चिकन निहारी, आप लोग कोई सी भी गोश्त की जो है वो बना सकते हैं। यहाँ हो गए थे प्याज ब्राउन और अब मैं इसके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 2 स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और अभी मैंने पानी ऐड नहीं करा है, ये पानी जो है लहसुन अदरक का पानी है बस। इसको जो है फ्राई कर लेंगे इसके अंदर तेल के अंदर और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से जब ये फ्राई होता है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अंदर मैंने डाली है हल्दी 1 स्पून डाली है लाल मिर्च और 1 स्पून ऐड किया है पिसा हुआ धनिया और 1 स्पून ऐड किया है नमक। और साथ साथ जो है मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ निहारी शान का मसाला, पैकेट का मसाला। मैं दोनों मसाले से जो है वो बना रही हूँ निहारी, करके मसाले से भी और मसाल के मसाले से भी। ये शान का पैकेट है। हम लोग जो है खाने में ज़्यादातर जो है वो शान का पैकेट यूज़ करते हैं, हम लोग को ये मसाला जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैं अच्छे से जो मिक्सअप कर लूँगी, मैंने अभी पानी जो है बिल्कुल ऐड नहीं करा है। देखें बस ये इतना ख्याल रखिएगा कि ये जो मसाला ऐड किया है बिल्कुल भी जो है वो जले ना, इसको मीडियम फ्लेम पे जो है हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके बाद जो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी और पानी भी हमें इतना ऐड करना है कि बस हमारा जो ये मसाला है वो अच्छे से जो है थोड़ा भुन जाए। और ज़्यादा पानी जो ऐड नहीं करना है, 1/2 कप डाल दें या आप 1 कप डाल दें। ये देखें ये भुन गया है, इसको मैंने अच्छे से जो है वो भुना है और तकरीबन मैंने इसको आधा भून लिया है क्योंकि हमारी जो चिकन होती है वो बहुत जल्दी जो है वो स्टीम आ जाती है, गल जाती है, इसलिए हमें मसाला जो है वो पहले से ही जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो भून लेना है। और इसका देखिए ये ऑयल जो है वो पूरा जो है वो भर आ चुका है। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी इसकी मसाले की। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी चिकन जो मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी। और देखें इसका कलर जो है वो अभी से जो है कितना जो है वो खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी थी ये। इसको डाल के जो है मैं इसको भून लूँगी। हमें जो है वो इसको डाल के इतना भुनना है कि इसकी जो है थोड़ी सी जो गोश्त की जो स्मेल होती है वो दूर हो जाए। और चिकन जो है बहुत जल्दी जो है वो स्टीम आ जाती है, इसलिए जो है हमें इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पकाना नहीं है, बस हमें इतना भुनना है इसको कि इसकी जो स्मेल है गोश्त की वो दूर हो जाए।
और मेरी वीडियो जो है लाजमी जो है पूरी वॉच कर लिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, साथ में बेल आइकन भी बजा दिया करें, शेयर और लाइक कर दिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करें मेरी रेसिपी, मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। और इस तरह से जो है मैं अपनी वीडियोस जो हैं वो लेकर आती रहूँगी और आप लोग जो हैं वो वीडियो वॉच करते रहा करें। और देखें ये अच्छे से जो है वो भुन गई है और मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैं 2 कप जो है वो पानी ऐड कर लूँगी। हमें बहुत ज़्यादा जो है इसकी ग्रेवी जो है वो नहीं बनानी, पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें इसके अंदर आटा भी जो है मिक्सअप करना है। हमें इतना रखना है कि हमें निहारी का जो ग्रेवी जो छोरवा है वो नॉर्मल रखना है क्योंकि आटा डालना है हमें, तो ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम, हमें इतना रखना है इसका पानी कि इसके अंदर जो है हम आटा डालें तो इसका जो शोरबा और ग्रेवी होगी वो दोनों जो है वो नॉर्मल रहें। मैंने इसके अंदर यहाँ पानी ऐड कर दिया था 2 कप, आप अपने अंदाजे से देख के रख लीजिएगा। और इसको जो है मैं मीडियम फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए छोड़ दूंगी। इतनी देर में हमारी जो चिकन है वो गल जाएगी अच्छे से। मैंने यहाँ लिया है 3 स्पून आटा और इसको जो है मैं अच्छे से जो है मिक्सअप कर लूँगी। मुझे प्याला छोटा पड़ रहा था इसलिए जो है मैंने प्याला जो है वो चेंज कर लिया था, मैंने बड़ा प्याला ले लिया था बाद में। और इसको जो मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया आटे को, और हमें आटे को अच्छे से मिक्सअप करना है क्योंकि इसके अंदर एक भी जो है वो लम्स जो हैं वो बिल्कुल भी ना रहे। हमें इसके अंदर आटा इतना ऐड करना है कि हमारी जो ग्रेवी है निहारी की वो जो है वो बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी हो और ना बहुत ज़्यादा पतली हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पतली होगी तो वो निहारी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने के अंदर, वो आटा आटा सा लगेगा। इसलिए मैं यहाँ एक नॉर्मल सा रख रही हूँ, इसके अंदर लम्स जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। और क्योंकि हमें जो है निहारी के अंदर ऐड करना है और उसके अंदर भी लम्स ना आए। ये देखें मैंने अच्छे से जो है इसको घोल लिया है और अब जो है उसके बाद जो है हमारा जो ये शोरबा है ग्रेवी है पूरी ये रेडी हो गई है और इसके अंदर जो ऑयल है ये सारा जो है वो ऊपर आ गया है। और जितना भी ये ऑयल है मैं इसको जो है वो प्याले में निकाल लूँगी, ऐसे ही बिल्कुल नहीं डालिए क्योंकि हमारा जितना भी ऑयल होगा वो सारा आटा जो है वो अपने अंदर जो है वो जब्स कर लेगा। इसलिए जो है मैं सारा जो इसके ऊपर आया हुआ ऑयल है वो एक प्याले में जो है वो निकाल लूँगी। देखें किस तरह से जो है मैंने प्याले में इसको निकाल लिया है। तकरीबन जो है मैंने सारा ही निकाल लिया है, थोड़ा बहुत ही जो है वो हमारी निहारी के अंदर रह गया है, देखें किस तरह से। और अब जो है इसके अंदर मैं आटा जो है वो ऐड करूंगी। और आटा जो है हमें डाल के जो अच्छे से जो है मिक्सअप करते चले जाना है तेज हाथ से। मैं एक हाथ से जो है वो वीडियो बना रही थी इसलिए मैं आप लोगों को सही से दिखा ना सकी, लेकिन जो है मैंने जो है एक हाथ से डाल के और दूसरे हाथ से जो है वो स्पून जो है काफ़ी तेज़ चलाया था, इतना तेज़ चलाना है कि इसके अंदर जो एक भी लम्स ना हो। एक हाथ से आप आटा डालते रहें और एक हाथ से जो चमचे से अच्छे से जो है वो घुमाते रहें तो एक भी लम्स जो है वो इसके अंदर बाकी ना रहेगा। और फ्लेम जो है वो थोड़ी मीडियम कर लें क्योंकि ग्रेवी और आटा जो है अच्छे से जो है वो शामिल हो जाए एक दूसरे में। बस ये रेडी है और ये थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा।
अब हम इसको जो है यूज़ करेंगे। मैंने जो ये सारा ऑयल जो है इसका निकाल लिया था, रोगन जो है सारी निकाल ली थी, ये ठंडा हो गया है। अब ठंडा होने के बाद जो है हम फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और ठंडा हो जाएगा। इसके बाद जो है हमने सारी जो रोगन निकाली थी, सारा ऑयल जो निकाला था, वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। देखें मैंने सारा जो है वो ऐड कर दिया है इसके अंदर, और ये देखिए रौनक जो है वो आ गई है और काफ़ी जो है वो खूबसूरत लगने लगी है निहारी हमारी। और रोगन निकाले बगैर बिल्कुल भी आटा ऐड नहीं करिएगा, रोगन लाजमी जो है वो निकालनी है। और देख सकते हैं आप लोग किस तरह से जो है वो रोगन आ गई थी इसके ऊपर। और उसके बाद जो है मैंने इसको प्याज से जो मैंने बचाए थे वो मैंने इसके अंदर बंगाल लगा दिया है और हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। बस हमारी जो ये निहारी है वो बिल्कुल रेडी है और आप लोग लाजमी इसको ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। मुझे जो है बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैं करने बैठ गई थी डिनर और मैं यहाँ खा रही थी निहारी तंदूर की रोटी से। आप लोग जो है वो पराठे से भी खा सकते हैं और नान और ताफ्तान और शीन मान से भी खा सकते हैं। जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उस चीज़ से खा सकते हैं, बट मुझे तंदूर की रोटी से अच्छा लगता है, इसलिए जो है मैं इसको जो है वो इस तंदूर की रोटी से ही खा रही हूँ। और बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत यमी बनी थी, स्पाइसी और मज़ेदार बनी थी। आप इसको जो है वो लेमन डाल के भी खा सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा जो है वो ख़राब था, इसलिए जो है आप लोग को लेमन डाल के भी जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनी थी। और ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी वीडियो लाजमी जो है वो वॉच कर लिया करें और कमेंट्स करा करें किस किस को अच्छी लगती है मेरी रेसिपी, मेरी वीडियोस। और मैं इस तरह से आप लोगों की रेसिपी और आप लोगों के लिए रेसिपी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, साथ में बेल आइकन बजा दिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।